वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज फिर से आर्थिक पैकेज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पैकेज की दूसरी किस्त में प्रवासी मजदूरों, फेरी वालों, छोटे कारोबारियों और किसानों पर फोकस किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि 3 करोड़ किसानों ने 4.22 लाख करोड़ रुपए के लोन पर लोन मोराटोरियम की सुविधा ली है। इसके अलावा ब्याज पर छूट फसलों पर इंसेंटिव को 31 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं 25 लाख नए क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज की घोषणा के 24 घंटे के अंदर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई सेक्टर के 56,754 उद्यमियों को 2,000 से लेकर 2 करोड़ तक के लोन बांटे, जिसके बाद लॉकडाउन में इतनी बड़ी रकम लोन देने वाला यूपी पहला राज्य बन गया। सीएम योगी ने सिंगल विंडो सिस्टम की तस्वीर दिखाते हुए एमएसएमई का साथी पोर्टल लॉन्च किया। सीएम योगी ने एक जिला एक उत्पाद पर विशेष जोर देने को कहा। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कामगारों और श्रमिकों को यूपी की ताकत बनाएंगे, ये हमारे लिए पलायन के कलंक को हटाने का भी बड़ा अवसर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में जिला अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को पैदल लोगों को साधनों से सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। मुजफ्फरनगर में हुई घटना को दोबारा न हो, इसके भी आदेश दिए। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रवासियों से किराया नहीं लिया जाएगा, यूपी आने वाली ट्रेनों का किराया दिया जाएगा। वहीं बिना मास्क के बाहर निकलने पर 100 रुपए का जुर्माना लगेगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने बताया कि प्रदेश में अभी कोरोना के 1730 एक्टिव केस हैं, वहीं 370 टेस्टिंग पूल लगाए गए, जिनमें से 27 पॉजिटिव वहीं बाकी निगेटिव आए। मध्य प्रदेश के गुना में हुए सड़क हादसे पर सीएम योगी ने शोक जताया। सीएम योगी ने मध्य प्रदेश सरकार से घायलों को 50,000 और मृतक के परिजनों को 2-2 लाख देने का अनुरोध किया। लॉकडाउन की वजह से बंद चल रही सामान्य पैसेंजर ट्रेनों की सुविधा अभी बंद रहेगी। भारतीय रेलवे ने 30 जून तक के सभी टिकट रद्द कर दिए जो 25 मार्च से पहले बुक किए गए थे। हालांकि इनका स्पेशल और श्रमिक ट्रेनों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में जारी मुठभेड़ आतंकियों के फरार होने से थम गई। वहीं सुरक्षा बलों ने रात से ही घेराबंदी कर रखी है, जल्द ही उनको दबोच लिया जाएगा। इन आतंकवादियों की संख्या 2 से 3 बताई जा रही है। उनकी तलाश के लिए गांव के हर घर की सुरक्षा बल तलाशी ले रहे हैं। एहतियात के तौर पर कुलगाम में इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लॉकडाउन खुलने पर जनता ने अपने सुझाव भेजकर जरूरी चीजों को खोलने की अपील की। इस बारे में केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से सुझाव मांगे थे। विजय माल्या ने हाल ही में घोषित 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर भारत सरकार को बधाई दी। साथ ही अफसोस जताते हुए सरकार से कहा कि मेरे से सारा कर्ज वापस लेकर मेरा केस बंद कर दें। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने सीएम योगी को उनके सरकारी आवास पर कोविड केयर फंड के लिए 1,04,58,000 रुपए का चेक भेंट किया। मेरठ में सिपाही के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद एडीजी प्रशांत कुमार ने बड़ा कदम उठाते हुए जिले के सभी पुलिस कर्मियों को फेस शील्ड बांटे। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 472 नए मामले सामने आए, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना मामलों का आंकड़ा 8,470 पहुंच गया। फिलहाल 24 घंटे में एक भी मौत नहीं हुई है। लखनऊ के केजीएमयू के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कल जांच के लिए गए 982 सैंपल में 28 केस पॉजिटिव मिले, जिनमें से लखनऊ, उन्नाव, बिजनौर, कन्नौज, औरैया, सहारनपुर, लखीमपुर और मुरादाबाद के रोगी शामिल हैं। आजमगढ़ में मुंबई से लौटे एक युवक में कोरोना की पुष्टि होने से हड़कंप मच गया। सैंपल भेजे जाने के बाद से युवक को मेडिकल कॉलेज में आइसोलेट किया गया है। बिहार के बेतिया में 14 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की पुष्टि हुई। बेतिया से 75 प्रवासी मजदूरों की जांच के सैंपल भेजे गए थे, सभी को क्वारंटीन कर दिया गया है। रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम ने अपनी मां को चिट्ठी लिख जल्दी बाहर आने की बात कही। उसने चिट्ठी में लिखा कि बाहर आकर आपका पूरा इलाज कराऊंगा, वहीं अपने अनुयायियों को कोरोना से बचने की सलाह दी। आगरा एक्सप्रेसवे पर अलीगढ़ मथुरा बॉर्डर के पास पुलिस ने आ रहे मजदूरों को रोक दिया। रोके जाने से नाराज मजदूरों ने पुलिस कर्मियों का जमकर विरोध किया। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में गिरि मंदिर में सुमेर गिरि महाराज का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। महाराज के सिर पर चोट के निशान पाए गए। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। लॉकडाउन के बीच अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की फिल्म ग्लाबो को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 200 देशों में एक साथ 12 जून को अमेजन प्राइम वीडियो पर किया जाएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का इंस्टाग्राम पर एक डांस वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में उर्वशी स्पेनिश डांस कर रही हैं। इस वीडियो को अब तक 2.5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है।